सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैक्टर नॉलेज को। हर नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने के लिए क्लिक करें इस बेल आइकन पे और पाएं लेटेस्ट वीडियो। ये है फार्म ट्रैक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे इसकी में क्या खूबी है और इसको कैसे रीड करते हैं। अक्सर जो ट्रैक्टर चलाने वाला होता है वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो इसका मेन मीटर है, इसमें आप देख रहे हो कि तीन कलर हैं जो इसका एनालॉग स्टाइल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। RPM इनटू 100, इसका मतलब है कि जितने पे ये 5 पे है तो इसका मतलब ये 500 RPM है, अगर ये 10 पे है तो इसका मतलब 1000 RPM है। इसमें 0 से लेके 2500 RPM तक दे रखा है, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें 1800, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 1800 के बाद में इसका कलर चेंज है और उसके बाद फिर यहाँ से ये रेड कलर का है। तो इससे पहले ये जो ग्रीन कलर का है, तो इसका क्या मतलब है, जब ये सुई यहाँ पे पहुँच जाएगी, मतलब 1800 RPM पे, तो यहाँ पे ट्रैक्टर का ये रेटेड RPM है जहाँ पे ट्रैक्टर अपनी पूरी हॉर्स पावर देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ट्रैक्टर जो है वो चल रहा है 1800 RPM पे, इसका मतलब ट्रैक्टर अपनी पूरी हॉर्स पावर प्रदान कर रहा है। लेकिन ये जो आगे की हमारे पास ऑप्शन है, ये हम कहाँ पे यूज़ करें, अगर हमारा ये वहम है कि अगर हम इसको इसके आगे से लेके आते हैं, मान लो हम 2000 RPM पे या 2400 RPM पे इसको ट्रैक्टर को चलाते हैं, तो ये ट्रैक्टर 55 HP से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ट्रैक्टर की जो हॉर्स पावर है उससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे अगर आप एक्सेलेरेटर को खींचते हो तो आपके ट्रैक्टर का फ्यूल कंजम्पशन तो बढ़ जाता है लेकिन हॉर्स पावर जो है वो कम हो जाती है। हम सिर्फ इसको इसलिए ये ऑप्शन दी जाती है कि इसको बोलते हैं फ्लाई अप स्पीड के लिए। फ्लाई अप स्पीड मतलब जैसे आप रोड पे जा रहे हो, फ्री लोड पे जा रहे हो, तो आपको स्पीड चाहिए ट्रैक्टर की, उस कंडीशन में आप इसको ओवर रेस पे चला सकते हो। तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको स्पीड अच्छी मिल जाएगी और ट्रैक्टर पे लोड नहीं है तो फ्यूल का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कभी भी हम फील्ड एप्लीकेशन में जब ट्रैक्टर को चलाते हैं या लोड पे ट्रैक्टर पे चलाते हैं तो 1800 RPM से ऊपर नहीं जाना है, ये ट्रैक्टर का रेटेड RPM है। इसीलिए यहाँ से ये निशान जो है चेंज किया जाता है कि रेड जोन की तरफ आ जाता है, कि इसका मतलब फ्यूल आपका ट्रैक्टर ज़्यादा लेगा और हॉर्स पावर भी उसकी कम हो जाएगी। तो इसके साथ हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा एक फ्यूल गेज दे रखा है जो कि आप देख रहे हो, ये E4 होता है एम्प्टी मतलब खाली है और F4 होता है फुल, तो ये आपका फ्यूल को दर्शाता है कि आपके ट्रैक्टर में कितना फ्यूल रह गया है। दोस्तों ये जो आप एक उभरा हुआ एक सिंबल देख रहे हो, ये होता है ट्रैक्टर का जो ऑयल प्रेशर होता है, इंजन के ऑयल प्रेशर को ये दर्शाता है। सपोज़ करें कि जैसे ये ट्रैक्टर इस वक्त बंद है और चाबी इसकी ऑन कर रखी है, तो ये जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट होगा ये बंद हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, अभी हम ट्रैक्टर को जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। आपने देखा, हम देख रहे हैं कि ये बंद हो चुका है। अब हम ट्रैक्टर को बंद करते हैं तो ये दोबारा से ऑन हो जाएगा जैसे ही ट्रैक्टर बंद होता है। देखिए ये फिर से ऑन हो गया। तो इसका मतलब है कि आपके ट्रैक्टर का जो ऑयल पंप है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है, और अगर ये चलते हुए ट्रैक्टर में अगर ये ऑन हो जाता है तो इसका मतलब आपको ट्रैक्टर को तुरंत बंद करना चाहिए कि आपके ऑयल प्रेशर में कोई दिक्कत है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इधर एक डिजिटल आवर मीटर दे रखा है कि ये दर्शाता है कि ये ट्रैक्टर आपका कितने घंटे चल गया। और एक इसमें फाइनली ये एक और मीटर है जिसको हम टेम्परेचर मीटर बताते हैं। ये टेम्परेचर को मेज़र करता है कि ये आपका जो ग्रीन जोन है, इसका मतलब ट्रैक्टर का बिल्कुल जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेफ जोन में है। अगर ये रेड जोन में जाता है इसका मतलब ट्रैक्टर आपका ओवर हीट हो रहा है, आपको ट्रैक्टर को बंद करना चाहिए और रेडिएटर को चेक करना चाहिए कि उसमें कोई कचरा नहीं फंसा हुआ है या कोई और कोई दिक्कत नहीं है या इसका फैन बेल्ट जो है वो तो लूज़ नहीं है, तो ये हम चेक करेंगे। अगर ओवर हीट होता है तो ट्रैक्टर के इंजन के लिए खतरा होता है। और आप ये जो रेड कलर का ये सिंबल देख रहे हो, ये आपका दर्शाता है कि आपका ट्रैक्टर की बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं। जैसे मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करूंगा तो देखते हैं करते हैं। ट्रैक्टर स्टार्ट होते ही ट्रैक्टर की बैटरी स्टार्ट होने चार्ज होना स्टार्ट हो गई, इसलिए ये बंद हो गया। और ट्रैक्टर को जैसे मैं बंद करूंगा तो साथ में ये भी बंद हो जाएगा। सो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। ये फार्म ट्रैक 6055 T20 ट्रैक्टर का एक बड़ा ही स्टाइलिश इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है।
और आप इसका अगर देखते हैं, इसमें लोगो भी लगा हुआ है स्टेयरिंग व्हील पे, ये बहुत ही स्टाइलिश है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय।